अंकल और डैड के बीच बिजनेस को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स थे। डैड किसी और के साथ बिजनेस एक्सपांड करना चाहते थे, बट उन्हें ये पसंद नहीं था। हमें अगर आपके साथ पार्टनरशिप पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है। ये इस टेबल में अगर आप बात करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। अजीत, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन अच्छा हुआ है तुम्हारा ये रंग मेरे भाई ने भी देख लिया। रंग अभी तुमने देखा नहीं है चंदर, जिस दिन रंग देखोगे ना बहुत पछताओगे। Are you get lost? Get lost, भैया। चंदर, अच्छा क्या रंजीत, जो तूने वही सुना दिया। अरे इंदर को तो हमने अपनी बातों में फंसा ही लिया था, पर चंदर को नहीं फंसा पाए। चंदर को पहचानने में हमसे भूल हो गई थी। अरे सुना था उसके बारे में, पर इतना अड़ियल होगा ये सोचा नहीं था मैंने। ठीक कहा आपने, उस अड़ियल ने धक्के मार के बाहर किया था मैं ऑफिस से। शामत आई थी उसकी, इसलिए उसने ऐसा किया। सुखविंदर, भूल हमसे नहीं चंदर से हुई है, इसका अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। रंजीत, अरे उसने तो पैसे दे दिए ना, खत्म कर दिया इस किस्से को यही। किस्सा तो अब यह खत्म नहीं होगा दोस्त, बात बहुत आगे जा चुकी है और आगे कहां तक जाएगी मालूम नहीं। पैसों की बात नहीं है यार, वो क्या समझता है कि उसने पैसों की बात कर ली तो बात खत्म हो गई, अब वो कुछ भी कर सकता है, फिर इंसल्ट भी कर सकता है। चंदर, कुछ तो सोचा होता तुमने, जमा जमाया बिजनेस, अच्छा खासा घर, हाँ अब क्या होगा तेरा? क्यों अंजाम तो तुझे भुगतना पड़ेगा, रंजीत से दुश्मनी भी है, मैं भी तो पड़ेगी। जब इन्होंने इंदिर को समझाया तो मुझे और मम्मी को लगा कि अब तो घर में पहले जैसा सुकून लौट आएगा, लेकिन ऐसा कहां होना था। बंटी का व्यवहार तो पहले ही जैसा था, उसे शायद ये लग रहा था कि मुझे और इनको तो अच्छा ही नहीं लग रहा है इंदर का नया काम शुरू करना, इसलिए हमने उसे रंजीत से पार्टनरशिप तोड़ने को कहा। माँ को पता नहीं था कि डैड और अंकल के बीच क्या बात हुई, उन्होंने उनसे पूछना चाहा, पर डैड ने कहा इट्स अ सरप्राइज, कल सुबह बताऊंगा। माँ को डैड की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन मुझे और तेरे जीजा जी को तो ये इत्मीनान था कि एक बार इंदर की नई फैक्ट्री शुरू हो जाएगी तो ये बात बंटी के मन से निकल जाएगी, इसलिए मैंने उसे कुछ कहा ही नहीं। यही सोचती रही कि कुछ दिन और रुक जाती हूँ, फिर तो सब कुछ पहले के जैसे हो जाएगा। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। चंदन कपूर, अब चंदन कपूर निकल जाओ। हमें आने जाने से कोई नहीं रोक सकता, किससे मिलेंगे तुमसे? चंदर साहब, कौन चंदर साहब? चंदर साहब हमारे साथ। अरे कोई चंदर बंदर नहीं, निकलो बाहर। अरे चलो बाहर निकलो, अब निकल बाहर, निकल बाहर, अभी दिखाता हूँ तुम्हारे चंदर साहब। चंदर साहब अब चंदर, अब चंदर कपूर, अब चंदर कपूर निकल बाहर, चंदर, अब चंदर, अब निकल बाहर, निकल, देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। बाहर निकल, अगर हिम्मत है तो निकल बाहर। कुछ नहीं होगा संतोष, इसको मैं बैठी करके। अरे ये वही आदमी है क्या? हाँ मामा, अभी से बात करनी पड़ेगी, मैं इसे छोड़ूंगा।
क्यों चला गया तुम? तुम्हारे रुपयों का हिसाब हो गया ना? जाओ जाओ। मेरा रुपयों का हिसाब किताब हुआ है अभी, लेकिन ऑफिस में जब ऐसी करी तुमने उसका हिसाब किताब बाकी है। रंजीत क्या करो, क्या करो? तुमने जो भी बात करनी है मुझसे करो, मुझसे करो बात। मैं तुमसे क्या बात करूं? वो मेरा दोस्त है। दोस्त है इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बड़े भाई के साथ कुछ भी बकवास करो। चलो भाई, खाना नहीं निभाना मेरे साथ। भैया प्लीज, रंजीत तुमने अभी बहुत पी रखी है, कल से बताते हैं। चलो घर चलो। मैंने पी रखी है, पी रखी है अपनी मर्जी का मालूम। फिर कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। तब तुम्हें पैदा भी नहीं हुआ था। फिर माँ और दादी यहाँ चले आए। यहाँ आने के कुछ ही महीनों बाद मैं पैदा हुआ, एन अनफॉर्चुनेट चाइल्ड, जिसका ना कोई बाप ना कोई परिवार, बस घर में दो औरतें जिनको खुद नहीं पता था कि भगवान उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। दादी को तो आज तक विश्वास नहीं कि उनके बेटे ने ये खून किया, पर माँ मुझसे कहती है कि जो सच है वही सच है, चाहे वो कितना भी बुरा हो, चाहे उसने हमारा सब कुछ छीन लिया हो, पर सच है वही सच है। There is no choice but to face it। क्या तुम कभी अपने ताया की फैमिली से नहीं मिले? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं, क्या करते हैं। मॉम ने तो मुंबई छोड़ने के बाद पलटने का नाम ही नहीं लिया। मॉम को तो मुंबई नाम से ही चिढ़ है, और मैं भी मम्मी से कुछ नहीं पूछता हूँ, तो मैं कुछ भी कुछ नहीं जानना चाहता हूँ। क्या कभी ये मन नहीं करता तुम्हारा कि अपनी आंटी से, अपने कजिन से जाकर मिलो और उन्हें बताओ कि तुम लोगों के साथ? क्या फायदा? क्या मेरे पूछने से मेरे डैड मुझे वापस मिल जाएंगे, या मेरी मॉम की सुनी जिंदगी में खुशियां लौट आएगी जो उनसे छिन चुकी है? मुझे तो कभी खुशियां छीन ही नहीं सकती, मुझे तो कभी खुशियां मिली ही नहीं। और पता नहीं आज तक मैंने इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया, ने तुमसे कैसे कह दिया? I don't know how I said everything about myself. इन्होंने तो अपने भाई को बचाने की कोशिश की थी, गोली तो रंजीत के हाथ में थी, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया तो पिस्तौल इनके हाथ में थी। बंटी तो ये मानने को ही तैयार नहीं थी, तो यही कहना था कि इन्होंने मौका पाकर अपने अपने ही छोटे भाई को।
हादसे के बाद पापा भी चल बसे, फिर तो मम्मी का मन ही नहीं लगता था उस घर में, इसलिए वो भी वहां से चली गई और बंटी हम सबको छोड़कर उनके साथ चली गई। तेरे जीजा जी को जेल हो गई और रह गई मैं सबके ताने सुनने के लिए। क्या क्या नहीं कहा उस वक्त लोगों ने मुझसे, तू तो जानती है ना गुट्टी। दीदी इसमें दोष किसी का नहीं था, दोष तो अपनी तकदीर का था। पता नहीं क्या नाराजगी है मेरी तकदीर को मुझसे, और शायद मेरी ही वजह से तेरी जीजा जी को भी अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं मिला। मैंने सोचा था कि ये सुख मैं अपने बच्चों को दूंगी, पर बुड्ढे वैसा ही नहीं हुआ। संस्कार ने मुझे ये मौका ही नहीं दिया। मेरे पापा ने अपने ही छोटे भाई का खून कर दिया, जानते हैं आप? जानता हूं। तुम जानते थे तो बताया क्यों नहीं? एक बार सोच कर देखो संस्कार, यदि मैं तुम्हें पहले बता देता तो क्या तुम मेरी बात पर विश्वास कर लेते? नहीं करता, मैं मानता हूं, पर ये सच जानने से तो रोक सकते थे, मुझे यहां आने से तो रोक सकते थे आप। कितनी बार तुम्हें रोकने की कोशिश की, पर तुम तो अपने जुनून में बड़े ही चले जा रहे थे। फिर मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता था संस्कार, कल तुम्हारा ये सच जानना निश्चित था। क्यों निश्चित था? जिस सच से मुझे सिर्फ दुख हुआ, शर्म आ रही है अपने आप पर, मुझे अपने घर से अपनी फैमिली से नफरत हो गई, जिस सच को जानकर किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, वो सब कुछ मेरे लिए ही जानना क्यों निश्चित था? संस्कार, दुख के पल और दुख की घड़ियां दोनों ही हमारे बस में नहीं, क्योंकि ये दोनों ही हमारे कर्मों से जुड़े हैं। हमारे कर्म हमारा एक्शन होते हैं, जिसकी प्रकृति निश्चित करती है उसका रिएक्शन। छोटे से छोटे कर्म का भी ये सृष्टि रिकॉर्ड रखती है, यानी अकाउंट होते हैं।
जिसमें अच्छे कर्म क्रेडिट होते हैं और बुरे कर्म डेबिट, जिसका हमें हिसाब चुकाना होता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, पर चुकाना अवश्य पड़ता है। यही सृष्टि का नियम है, आपको इसे माने या ना माने, लेकिन इस धरती पर हर कोई अपने कर्म से जुड़ा है, अपने धर्म से जुड़ा है। धर्म से मेरा अर्थ रिलीजन नहीं है, धर्म यानी जो जिसका कर्तव्य होता है। जैसे पानी का धर्म होता है बहना, तो बहता है। अग्नि का धर्म होता है जलना, तो वो जलती है। तो इंसान का धर्म क्या है? इंसान का सबसे बड़ा धर्म है इस पूरे चक्र को समझना, और जो इसे समझ लेता है उसके लिए सुख और दुख दोनों समान हो जाते हैं। फिर ना ही वो सुख में अपने होश गंवाता है और ना ही दुख में हिम्मत। अब जब संस्कार मुझसे पूछेगा तो क्या मैं उसे सब कुछ बता पाऊंगी? क्या वो मेरी बात का यकीन करेगा? वो तो अपने पापा से मिलना चाहेगा ना, मुझसे हजार सवाल करेगा जिनके जिनके मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। और अगर वो अपनी चाची से कुछ बात करना चाहे तब क्या होगा? अगर संस्कार अपनी चाची के पास चला गया तो क्या उसकी दादी उसे समझा पाएगी, उसे ये बता पाएगी कि आज भी संतोष मन को कितना याद करती है, उसकी आवाज सुनने को तरसती है, फोन करती है लेकिन बात नहीं कर पाती। बंटी तो उसे अपनी बहन मानती है। इतने साल सब कुछ अकेले सहा उसे, और उसकी बड़ी बहन उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, ना उसके लिए और ना ही उसके बेटे राहुल के लिए। क्योंकि तुझे नहीं लगता कि जिस तरह संस्कार और कपड़े वो किसी बात की कमी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही राहुल के साथ हो। वो तीनों हमारे पास है, ये सब कौन समझाएगा संस्कार? इसकी बात मानेगा वो? पर किसी के मानने ना माने, आपके जरूर माने। पिछली दफा तो फोन रख दिया था उसने। गुड्डी, इस बार वो फोन करेगा ना तो मैं उसे कह दूंगी कि बेटा अब तेरी माँ तुझसे कुछ नहीं छुपाएगी, तू घर वापस आ जा। गुड्डी, तब तो वो मान जाएगा ना? जरूर मानेगा। आपको तो पता है ना कि भले चाहे वो जितना भी नाराज हो, आपकी बात नहीं टालता, इस बार भी मान जाएगा। अब धर्म की कर्म की बातें मुझसे कह रहे हैं? ये बातें जाकर कहिए मेरी माँ से, ये बातें जाकर कहिए मेरे पापा से। क्या मेरी माँ का यही धर्म था कि इतने सालों अपने ही बेटे से झूठ बोलती रही कि उसके पापा एक कार एक्सीडेंट में मरे? ये बातें जाकर कहिए मेरे पापा से जिन्होंने अपने ही भाई का खून कर दिया। ये बातें जाकर कहिए मेरी फैमिली से जो वैसे तो इतना बड़ा सच छुपाती है और उसकी जगह 24 घंटे आपका नाम लेती है, हवन करती है, पूजा पाठ करती है। हर बात के दो पहलू होते हैं संस्कार, और तुमने केवल अभी एक ही पहलू देखा है, और जब तक तुम दूसरा पहलू देख ना लो ये कहना ठीक नहीं होगा कि तुम सच जान चुके हो। अभी तुमने केवल एक ही पक्ष देखा है, और सच का पक्षी कभी भी एक पंख से नहीं उड़ता। जितना जाना है उतना मेरे सारे भ्रम तोड़ने के लिए काफी है। सच के बारे में, एथिक्स के बारे में, फैमिली के बारे में, लव के बारे में,
और कुछ जानने की ख्वाहिश नहीं है। आज तो वहां आई हूं, मुझे ना कुछ पूछना है ना कुछ जानना है, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं रखना। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा, नेवर। ना वो घर मेरा है